हेलो फ्रेंड्स, फ़ोटोज़ खिंचाना हम सभी को अच्छा लगता है और आज तो हर कोई फ़ोटोज़ और वीडियोस के द्वारा उन हर लम्हे को कैद करना चाहता है जो उन्होंने खुशी से बिताए, और इन्हें संभाल कर रखना और सोशल मीडिया में पोस्ट करके लाइक्स और कमेंट बटोरना लोगों का एक नया शौक बन चुका है। अगर आपने भी कभी फ़ोटोज़ खींची या खिंचवाई है तो आपने कभी ना कभी रेड आई इफ़ेक्ट ज़रूर देखा होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम अंधेरे में फ़ोटो लेते हैं तो हमारी आंखें फ़ोटो में लाल रंग की आ जाती है जो पूरी फ़ोटो को ख़राब कर देती है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर का शैतान बाहर आ जाता है जो उस फ़ोटो में दिखाई दे जाता है। मजाक कर रहा था दोस्तों, चलिए आइए रिसर्च करते हैं कि ऐसा किस वजह से होता है। असल में जब हम रेड आई की फ़ोटो देख रहे होते हैं तो उस फ़ोटो में हम असल में हमारी रेटिना को देख रहे होते हैं जिससे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के कारण हमें ये रेड इमेज मिलती है। तो आप ये सोचेंगे कि डे लाइट में हमें इनकी इमेज क्यों नहीं दिखती। इन्हें समझने के लिए हमें अपनी आँखों को समझना पड़ेगा। हमारी आँखों में प्यूपिल होता है, ये एक छोटी सी ओपनिंग की तरह होती है जिससे होते हुए रोशनी हमारी आँखों के अंदर जाती है, और इस ओपनिंग का साइज़ एक सर्कुलर मसल के द्वारा एडजस्ट किया जाता है जिसे आयरिस कहते हैं। बहुत तेज़ रोशनी में आयरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है जिससे बहुत कम रोशनी अंदर जाती है, और अंधेरे में हमारी आयरिस रिलैक्स हो जाती है जिससे प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है जिससे अधिक से अधिक रोशनी अंदर जाती है और हमें कम रोशनी में भी अच्छे से देखने में मदद करती है। लेकिन ऐसा करने से होता ये भी है कि हमारी रेटिना में उपस्थित ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाती है, और इस कंडीशन में जब हम फ़ोटो लेते हैं तो फ्लैश से निकलने वाली तेज़ रोशनी हमारी आँखों में चली जाती है। इसमें से कुछ रोशनी हमारी आँखों से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में कैद हो जाती है, और ये सब इतना जल्दी होता है कि आयरिस को कॉन्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं मिलता, और इस वजह से हमारी आंखें फ़ोटो में रेड दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, अब हमें यह पता चल गया है कि ऐसा क्यों होता है, पर इससे बचने का उपाय क्या है जिससे हमारी फ़ोटो इस इफ़ेक्ट के कारण ख़राब ना हो जाए? तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम रेड आई इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। पहला, हम ये कर सकते हैं कि हम फ्लैश लाइट को ही बंद कर दें, या हम एक एक्सटर्नल फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम रेड आई इफ़ेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम जिनकी फ़ोटो ले रहे हों उन्हें कह दें कि कैमरा के लेंस में डायरेक्ट ना देखें, या हम अपने फ़ोटो लेने का एंगल को डायरेक्ट से हटाकर किसी और एंगल में शिफ्ट कर दें। इससे होगा क्या कि उनकी आँखों की ब्लड वेसल्स कैमरे के डायरेक्ट एक्सपोज़र में नहीं आएगी, जिससे रेड आई इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। और आजकल तो कैमरों और स्मार्टफोन्स में रेड आई रिडक्शन फीचर भी आने लगा है जिससे हम ये आसानी से हटा सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केट में कई ऐसे फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसके द्वारा हम रेड आई इफ़ेक्ट को हटा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो उसे कमेंट के जरिए ज़रूर पूछें। इसके साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।